세 적게 젖어 어디서 제 못해. उसके सीनियर ने छुट्टी देने से मना कर दिया तो? अरे निगेटिवली मत सोच. अरे उनके सीनियर्स को भी तो समझ में आएगा कि उनकी बहन की शादी है. जाते समय एग्जिट गेट में जो बेल है वो बजाते हुए जाना. लेकिन सर वो तो आई नो, ये छुट्टी सिर्फ 15 दिन के लिए नहीं है, लाइफ टाइम के लिए है. और हम यहाँ धर्मशाला खोल के नहीं बैठे हैं. जब मर्जी चले आओ, जब मर्जी चले जाओ. यू कैन लीव नाउ. कहाँ थे तुम दोनों? सर वो हम लोग बाहर घूमने गए थे. लेकिन आज तो तुम लोगों का पनिशमेंट मिला था ना? यस सर. फिर भी गए? सॉरी सर. और ये निशान कैसा? ये निशान कैसा? वो हमें कुछ लड़के छेड़ रहे थे तो लगा दिया 2-4. और कत्सु? सर वो हमें देख के आतिका खंडाला गा रहे थे तो उनका खंडाला उधर ही बना डाला. कितना मारा? बहुत मारा. उनको तो वही पे पटक दिया. और इसकी हाथ तो इतनी हैवी है. और एक बात बताऊं सर, मैंने उनको एक थप्पड़ ज्यादा मारा. और दूसरा? वहां पे एक पुलिस वाला आ गया तो हम लोग डर के भाग गए. हमें लगा कि आपको पता चल जाएगा. वैसे भी पकड़े गए. वी आर रियली सॉरी सर, विल नॉट रिपीट इट अगेन. क्या रिपीट नहीं करोगे? उनको मारना? नो सर, अगर वो लोग दोबारा रास्ते पे मिलेंगे और वो हमको छेड़ेंगे ना, उनको जोर से धोएंगे फिर से. हॉस्पिटल जाना पड़ेगा? नो सर. मैनेज कर लोगे? यस सर. गुड. लेकिन तुम्हें उनके कमेंट्स पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था. लोग तुम्हारे ऊपर बहुत कुछ बातें बनाएंगे, तुम्हारे रिलीजन को लेकर, तुम्हारे रीजन को लेकर, तुम्हारे स्किन टोन को लेकर, तुम्हारे हेयर स्टाइल को लेकर बहुत कुछ कमेंट करेंगे. लेकिन तुम्हें अपना दिमाग शांत रखकर काम करना होगा. Do you understand? Yes sir. तुमने हमारा रूल तोड़ा है, तुमको पनिशमेंट जरूर मिलेगा. उस्ताद, अगले एक हफ्ते तक आप दोनों को 2 घंटे ज्यादा दौड़ना पड़ेगा और एक्स्ट्रा 1 घंटा रेत पर रगना पड़ेगा. अंडरस्टूड? जी साहब. लगता है तुम दोनों ने आर्मी सिर्फ पनिशमेंट एंजॉय करने के लिए ज्वाइन किया है. तू ये सामान लेके किधर भागे जा रही है? मैं और सहन नहीं कर पाऊंगी. क्यों नहीं सह पाएगी? मैं हूं ना तेरे साथ. और अगर तू ट्रेनिंग कंप्लीट किए बिना चली गई तो तू सोच यहाँ के लोग क्या सोचेंगे तेरे बारे में. और वो अलीना, वो सोचेगी कि तू डर के चली गई. सॉरी यार, मैंने बहुत ट्राई किया, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा. शायद आर्मी ऑफिसर बनना मेरे किस्मत में है ही नहीं. अरे हम लड़कियां हैं, लड़कों जैसे फिजिकल एबिलिटी हमें नहीं है. किसने कहा तुझे? याद नहीं है हम लोगों ने उस लड़के को कितना धोया था? ये चीज प्रूव करता है कि सारे लड़के एक समान स्ट्रांग नहीं होते. मैं हूँ, बाकी सारी लड़कियां हैं. एंड यू आर अ स्ट्रांग गर्ल. अब ये सब छोड़, तू अगर ये ट्रेनिंग कंप्लीट किए बिना घर चली गई तो तेरे घर वालों को कितना बदनामी सहना पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन अगर तू ट्रेनिंग कंप्लीट करके ऑफिसर बनके घर चली गई, तेरे घर वाले और शहर वाले सब तुझे देख के प्राउड फील करेंगे. मगर मगर वगर कुछ नहीं, तू चल. नहीं यार, तू समझ नहीं रही है. मुझे कुछ नहीं सुनना है. नहीं। चल तू मेरे साथ. क्या हुआ बारबी?
थैंक यू कोचू। थैंक यू किस लिए? मुझे वापस लाने के लिए। वापस लाने के लिए? तू तो इधर ही है। कोई सपना देखा क्या? कुछ मत यार, इतना गंदा सपना था कि मैं तुझे बता नहीं सकती। मैं ट्रेनिंग छोड़ के भाग रही थी और तूने मुझे उठा के यहाँ पे लेके आए। चल, बिना कुछ किए तू मुझे थैंक यू बोल रही, फ्री में मिल रहा है तो ले लेती। इस अलीना को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मत छोड़ना, लेकिन अगर अभी तू नहीं सोएगी ना तो कल सुबह उस्ताद हम लोगों को पनिशमेंट दिया बिना नहीं छोड़ेंगे। सो जा। क्या हो गया एकदम से? कुछ नहीं, ऐसा लगा किसी ने बेल बजाई है। अरे नहीं, कल रात को सोने से पहले तुम उसको मिस कर रहा था ना, उसका ड्रीम आया होगा। एक बात बताओ, वो जब 4 साल हॉस्टल में रहकर आई थी तभी तो तुमने कभी उसको इतना मिस नहीं किया, अब ऐसा क्यों? माँ बाप का जैसा एज बढ़ता है ना, उसके साथ साथ बच्चों के लिए चिंता भी बढ़ता है। अभी हमारा इतना एज कहाँ हुआ है? अभी तो हम लोग यंग है एकदम। सुनो, कल सुबह उसे फोन करके बोलना कि 3-4 दिन में हम आ रहे हैं उसे मिलने के लिए, बहुत मन कर रहा है। और कैनी भी बोल रहा था कि वो भी हमारे साथ जाएगा। सबसे ज्यादा वो मिस करता है, सब उसे मिस करते हैं। हाँ, घर में बस एक मैं ही हूँ जो उसको मिस नहीं करता। देखो, ऐसा मिस्टेक बिल्कुल मत करना, अरे वो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। एक काम करो, अभी सो जाओ, सुबह उठकर बात करेंगे, ठीक है? चलो सो जाओ, आओ। गुड नाइट। ऐसे क्या इंपॉर्टेंट बात थी जो इतनी सुबह सुबह तुम दोनों मुझसे मिलने आ गए? किसी की कंप्लेंट करनी है? कंप्लेंट तो करनी है, लेकिन किसी और का नहीं, मेरा अपना। What? Are you all right? कोत्सु, तुम्हें भी किसी का कंप्लेंट करना है? देखो, तुम दोनों हमारे बेस्ट कैडेट्स हो, हालांकि मैं तुम दोनों को ज्यादा पनिश करती हूं, बट यू नो, ज्यादा पनिशमेंट कभी कभी तुम दोनों को स्ट्रांग भी बनाता है। और तुम दोनों की जोड़ी कभी कुछ ऐसा कर जाती है जो मुझे पनिश करने पर मजबूर करता है। बोलो क्यों आए? एक्चुअली सर, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। तुम्हें यहां सिखाया गया है ना कैसे बात करनी होती है। यू शुड स्पीक कॉन्फिडेंटली व्हाइल स्पीकिंग, एंड व्हाइल स्पीकिंग यू शुड नॉट हेसिटेट। Speak out. मैं बरक छोड़कर भाग रही थी। What? Yes, sir. और कोचू ने मुझे बहुत कन्विंस करके वापस ले आई। Why? तुम ये कैंप छोड़कर क्यों भागना चाहती हो? सर, वो एक्चुअली फिजिकल वर्क उसे बहुत भारी पड़ रहा है, तो उसका माइंड में ऐसा आइडिया आया। क्यों, यहाँ आने से पहले इसको मालूम नहीं था कि आर्मी का ट्रेनिंग कितना टफ होता है? बट इट वॉज अ ड्रीम सर। कल रात को मुझे ये सब ड्रीम में आया, पर ऐसा ड्रीम मुझे क्यों आया? आई जस्ट वॉन्ट टू नो डेट। आई नीड योर गाइडेंस सर। देखो बार्बी, आई एम हैप्पी कि तुम अपना एक ऐसा ड्रीम मेरे पास शेयर करने के लिए आए हो जिसका कोई लॉजिक नहीं है, एंड आई डोंट थिंक आई कैन हेल्प यू। But yes, I can advise you. Be positive and always think positive. It will help you in future. और ऐसे dream और ऐसे dreams जिंदगी में दोबारा नहीं आएंगे. Understood? Yes, sir. Good.
लेडी कैडेट्स, आज से आप लोगों का ट्रेनिंग का एक नया चैप्टर शुरू होंगे, आर्म्स ट्रेनिंग। आर्म्स ट्रेनिंग में हर आर्मी के जवान का आत्मा होता है। इस ट्रेनिंग में आप लोगों का कॉन्फिडेंस और ज्यादा हो जाएगा। आप लोगों की हर गोली पर दुश्मनों को सीख आनी चाहिए। कत्सु, मैं अपने घर में बहुत ही कम लोगों को बुलाती हूँ। Meet me at my home tonight. Yes, sir. That's my husband. बैठो। आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ? आपके हस्बैंड यहाँ नहीं रहते? नहीं, वो वेस्टर्न कमांड में पोस्टेड है। मतलब वो भी आर्मी ऑफिसर है? कैसे? एक लंबी स्टोरी है। रणवीर और मैं एक ट्रेनिंग कैंप में मिले थे और पहले ही नजर में उससे प्यार हो गया। देन वी गॉट मैरिड और उसके बाद उसकी पोस्टिंग कहीं और मेरी पोस्टिंग कहीं और। हालांकि एज पर रूल्स बीच बीच में हमें एक स्टेशन मिल जाती है, लेकिन कभी कभी रणवीर के प्रमोशन की वजह से एडजस्टमेंट नहीं भी हो पाती। दोनों ही कमिटेड है देश के सेवा के लिए। सो पहले फ्रेंडशिप हो गई और उसके बाद शादी। हाँ, और हमारी प्यार कम ना हो इसलिए हर रात को हम लोग फोन पे बात कर लेते हैं। और हाँ, नेक्स्ट मंथ उसका पोस्टिंग होने वाला है छत्तीस यूनिट, फिर मिल जाएंगे। और बच्चे? वो अपने दादा दादी के पास रहते हैं जयपुर में। अच्छा, उनके स्कूलिंग की वजह से वही रखा है। सो आई थिंक दे आर मोर हैप्पी विद देम और उनका केयर रखते हैं हमारे इन लॉज। आई थिंक दे आर टेकिंग मोर केयर देन अस एंड दे आर हैप्पी। अमेजिंग। देश के लिए आप लोग जो ये सैक्रिफाइस कर रहे हो ना, बाहर वालों को समझ में नहीं आएगी। I mean, civilians को। सर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? देखो कत्सु, डे वन से ही मुझे पता था कि अलीना तुम सबको परेशान करती रहती है, खास करके तुम्हें। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ही पनिश करती थी क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम किस हद तक टॉलरेंट बर्दाश्त कर सकती हो। एंड टू यू नो, तुम नागालैंड से पहली फीमेल ऑफिसर बनने वाली हो। सीरियसली? यस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आज तक कोई भी फीमेल ऑफिसर इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाई। थैंक यू सो मच सर। यू आर अ रोल मॉडल फॉर अदर्स ऑल्सो, इसीलिए शायद तुम ड्रीम में भी लोगों को इंस्पायर करती हो। ओटीए चेन्नई में मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। न जाने इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि कठिन से कठिन काम भी आसान लगने लगा। दिन भर अलग अलग कोर्सेज की क्लासेस, खेलकूद, डिसिप्लिन लाइफ, ट्रेनिंग अब जीवन का एक हिस्सा बन चुकी थी। 9 महीने कैसे बीते पता ही नहीं चला। कल हमारी पासिंग आउट परेड थी
और हम एक आर्मी ऑफिसर बनने वाले थे। कुछ भी बोलो, मुझे तो खुशी इस चीज की हो रही है कि पूरे एक साल बाद घर जा रही हूँ, और उससे भी बड़ी बात, घर का खाना मिलेगा। ओह माय गॉड, मुझे तो अभी से सोच के मुंह में पानी आ रहा है। क्या ऐसे क्यों देख रहे हो? अब तक हमें मालूम नहीं था कि हमारे बीच एक भूखड़ भी है। तुम लोग को जो बोलना है बोलो, मैं तो सोच सोच के खुश हो रही कि मम्मा के हाथ का खाना मिलेगा। एक काम कर, तू तो कोई माँ जा ही रही है, आते वक्त आंटी को भी लेके आ जा। वो भी करते, लेकिन पापा और भाई के बारे में सोच खुद को कंट्रोल कर लेती हूँ। तो फिर मामा को लेके आ जा, वैसे भी वो तेरे बिना कहाँ रह पाते हैं। ये मामा का सत्तर क्या है? अरे इसके जैसा मामा ना मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अपने भांजी को लेके इतना पॉजिटिव है ना कि पूछ मत। अच्छा एग्जांपल दे। मैं ना पहली बार इसके मामा से मिली थी जब वो इसको छोड़ने के लिए आए थे हॉस्टल में, और आती है ना सबके साथ झगड़ा। वो ना आते ही सारे सामान सजाने लग गए थे और इसको बोला कि अपना सारा पैसा ना एक ही जगह में रख दे ताकि चोरी ना हो। फिर चोरी हुआ कि नहीं? हुआ तो, इस मैडम ने अपने सारे पैसे एक ही जगह में रख दिया था। Oh my God. और एक मजे की बात बताओ, एक बार ना ये बीमार पड़ गई थी तो इसके मम्मी और मामा दोनों घर से आ गए थे इसको वापस लेने के लिए। हम लोगों को बहुत कन्विंस करना पड़ा इसको रोकने के लिए। वाह, और मत बोलना मेरे मामा के बारे में। अरे तू इतना गुस्सा क्यों करती है? गुस्सा नहीं हो रही, हो रहे बता रही हूँ, वो हमें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और हमारे घर से मैं पहली हूँ जो इतना दूर आई हूँ, तो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाते हैं और हंगामा करने लगते हैं। सो एम्बैरेसिंग यार। अरे इसमें एम्बैरेसिंग होने वाली क्या बात है? हर कोई चाहेगा कि उसके मामा तेरे मामा के जैसा हो, क्योंकि हम जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना उसी के साथ पॉजिटिव होते हैं। यू आर राइट शोभा। अब मेरा तो बस एक ही ख्वाहिश है कि मुझे कोई पॉजिटिव वाला हस्बैंड मिल जाए। लो शुरू हो गई मैडम। फौज है भारत माता की, फौज है अपने देश का, फौज है किसी से भी वो कम नहीं। क्या सोच रहे हो? यूं ही, अब तो तुमसे सावधान रहना पड़ेगा। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया। आप तो बातों को गोल गोल घुमाना बंद करो। अब तो बोलोगी ना, अब तो तुम्हारी बहन आर्मी ऑफिसर जो बन गया। वो आ रही है ना, I'm so excited। अच्छा सुनो, वो सिर्फ 3 हफ्ते के लिए आ रही है, I'm right? हाँ। तो मैं क्या सोच रहा था कि इन्हीं दिनों में घर में बातें कर कर हम दोनों की शादी फिक्स कर लेते हैं। इतना एक्साइटमेंट में मत बनो। I'm just so excited because she's gonna be, you know, there in our marriage. Yeah, इसी के लिए तो वो प्लान बनाया है। Thank you so much, Atu. It's my pleasure. Salute. I'm proud of you. Yeah. ये कौन है? ये बार्बी है। और ये कहाँ की है ये? ये हमारा बैरक है। अच्छा। मम्मा आप रो क्यों रहे हो? कहा नहीं, देख कितनी सुंदर लग रही है तू आर्मी ड्रेस में। हाँ मैं क्यों रोऊंगी? मम्मा आप झूठ बोल रहे हो। अरे ये तो खुशी के आंसू है।
मैं आज बहुत खुश हूँ तुझे लेकर। पता है अब तू की फैमिली में मेरा रिस्पेक्ट पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है और इसका रीजन सिर्फ तुम हो। मेरी वजह से? हाँ, तू आर्मी ऑफिसर जो बन गई। हाँ, I'm honored. लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता है कि अगर आप नहीं होते तो मैं एप्लीकेशन भी नहीं भर पाती। मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। नहीं, मैंने तो सिर्फ हल्का सा एक पुश दिया था, असली छलांग तो तूने लगाई है। और पता है ऑर्गेनिक स्कूल में उसके टीचर उसे ज्यादा ही एक्स्ट्रा अटेंशन दे रहा है। Really? हाँ, और मेरे स्कूल में भी मोर अटेंशन एंड मोर रिस्पेक्ट। I'm really very sorry, कुछ। क्या हुआ मामा? मुझे शर्म आ रहा है ये सोचकर कि मैं क्या क्या नहीं किया तुम्हें आर्मी जाने से रोकने के लिए। एक तो मैं कुछ नहीं कर पाया, खुद तो दुकान डाल के बैठा हूं, और मेरे भांजी कुछ करने जा रही है और मैं उसे रोकने के लिए कोशिश कर रहा हूं। मामा, आप मेरे से प्यार करते हो बहुत ज्यादा, इसलिए आप डर रहे थे कि आर्मी में जाके मुझे कुछ हो ना जाए, और मजबूर होकर आप मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे। अरे अब और कितना रोना धोना। हाँ, कब से रोए जा रहे। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे पहले से क्यों नहीं बोला, रुक मैं अभी बनाती हूँ। अरे बनाएगी कैसे, अब तक तो रोने में बिजी थे सब लोग। आपसे बात करना ही बेकार है। अच्छा, डॉल्फ सर से मिलने के लिए तुम कब जाएगा? अभी खाकर ही जाऊंगी। क्यों नहीं, ऐसे ही एक बार मिलके आना चाहिए ना। ऑफ कोर्स पापा, ये भी कोई बोलने की बात है। हाँ। अच्छा, अब तक तो ये मालूम था कि आर्मी वाला लोग बहुत डिसिप्लिन का होता है, यहाँ तो पूरा केस ही उल्टा है। बेटी तो आपकी है, ये उल्टी सीधी हरकत वो नहीं करेगी तो कौन करेगी। हम लोग ना कल एक काम करेगा, हम दोनों कोर्ट में जाएगा, वहां जाकर एक एफिडेविट बनाएगा, में लिखा होगा कि आज से तुम्हारा मम्मी पापा असली मम्मी पापा हम है, सिर्फ हम। चलेगा ना?